वही 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। गाजियाबाद केलोनी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी। यात्रा में शामिल होने के लिए आज कार्यकर्ता भी रवाना होंगे। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां लगभग पूरी हैं। दूसरा चरण जिसकी शुरुआत आज से होगी, गाजियाबाद के लोनी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस की तैयारी पहले से लगातार पूरी है। यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रवाना होंगे। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ से कार्यकर्ता रवाना होंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि पूरे देश भर में निकाली जा रही है और आगे बढ़ते हुए जिसका दूसरा चरण आज गाजियाबाद से शुरू होगी, जिसमें कि तमाम कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी के साथ जुट रहे हैं। राहुल का यूपी प्लान क्या है ये भी जरा आपको समझाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कल यूपी में एंट्री गाजियाबाद के लोनी इलाके से एंट्री होनी है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो इसके मायने बहुत खास होंगे, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी के 3 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। गाजियाबाद, बागपत और शामली से होकर ये यात्रा गुजरेगी। यूपी में 130 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। कई जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वाराणसी, प्रयागराज के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कानपुर और लखनऊ के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो राहुल का यूपी प्लान पूरी तरीके से तैयार है और कल यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। गाजियाबाद के लोनी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राहुल के साथ में जुटेंगे। मेरठ से हमारे संवाददाता सनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट देंगे। सनोज, उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यूपी में भी करेगी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और जिस तरीके से कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी का जो इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है वो कल से शुरू होने जा रहा है और 3 दिन तक ये यूपी में रहेगी। अगर कल की मैं बात कर लेता हूँ कि कल सुबह लोनी बॉर्डर से ये शुरू होगी और लोनी तिराहा होते हुए उसके बाद कल शाम को ही ये बागपत के मवीकला में पहुंच जाएगी और मवीकला में रात्रि विश्राम राहुल गांधी करेंगे। वहां पर एक होटल में व्यवस्था की गई है। हालांकि राहुल गांधी उस होटल में नहीं रुकेंगे, जो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कुछ कंटेनर चल रहे हैं तो राहुल गांधी उसी में रुकेंगे। इसी के साथ ही मवीकला में 30 बीघे का एक बड़ा जो जगह है वो ली गई है और वहाँ पर जो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं लखनऊ, कानपुर, बनारस और भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से वहाँ पर आएंगे, वो वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद 4 तारीख को सुबह 6 बजे राहुल गांधी मवीकला से अपनी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और यात्रा यहाँ से, चूँकि जब बागपत पहुँच जाएगी तो यहाँ से मवीकला से होते हुए फिर वो सीधी आपका बागपत पहुंचेगी, बागपत से सिसाना और सिसाना के बाद एक गुफा वाला मंदिर पड़ता है उसके पास एक बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी का रखा गया है। वहां पर वो लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और सुबह 6 बजे चलने के बाद करीब 10:30 बजे तक करीब ये 14 किलोमीटर का सफ़र पड़ेगा। उसके बाद वो सीधे गुफा वाला मंदिर के पास रुकेंगे। उसके बाद 3-4 घंटे वहाँ पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तमाम चीज़ों पर मंथन होगा और उसके बाद वहाँ से ये यात्रा आगे चलते हुए सीधा सरूरपुर पहुँचेगी और बड़ौत का जो छपरौली चुंगी है, छपरौली चुंगी पहुंचेगी और उसके बाद वहां से सीधे जो राहुल गांधी है वो राहुल गांधी सीधे आगे आपके एलम शामली पहुंच जाएंगे। यानी 3 तारीख को जब वो बागपत पहुंचेंगे, 4 को पूरा उनका जो कार्यक्रम है वो बागपत में रहेगा और 4 की शाम को ही वो शामली पहुंच जाएंगे और शामली के एलम पहुंचने के आपने बताया और कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है ये भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।